So hey guys, welcome to the channel Weback, and guys, in this video I'm show you how to get all evolutions items in Pokemon Go. And I don't know, आपके previous कुछ videos में बहुत सारे ऐसे comments आ रहे हैं इससे related कि bro कैसे आप यहाँ पर कैसे हम evolutions item get कर सकते हैं, कैसे हम stones get कर सकते हैं अगर Pokemon को evolve करना है. बहुत लंबी list है यहाँ पर. अगर आप Pokemon को evolve करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे Pokemon हैं जो किसी special item के through या फिर stone के through ही evolve होते हैं. तो वो सब कुछ बताऊँगा कैसे आप इन्हें 1-to-1 get कर सकते हैं और कैसे यहां पर आप जितने भी आइटम्स हैं या फिर कहूं तो जितने भी स्टोन्स हैं पोकेमॉन गो के अंदर जिनकी हमें नीड होती है, सिनो स्टोन, यूनोवा स्टोन, यहां पर मैं बात करूं किंग्स रॉक की, मेटल कोट की, अपग्रेड की, सनस्टोन की एंड ड्रैगन स्केल की, जो आपको नीड होती है अगर आपको पोकेमॉन्स को इवॉल्व करना है. बहुत से ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो इनके थ्रू ही इवॉल्व होते हैं, वो सब भी बताऊंगा. एंड ऑल्सो यहां पर कैसे आप इन्हें गेट कर सकते हैं बहुत ईजी वे में, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एंड ऑल्सो मेरा जो एक्सपीरियंस है इन सभी स्टोन्स को लेकर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी ट्राई करूंगा. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ट्रेनर्स, सो लेट्स गो. ऑल राइट ट्रेनर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करता हूं मैं कैसे आप यहां पर सिनो स्टोन एंड यूनोवा स्टोन गेट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यहां पर मैं बात करूंगा कैसे आप यहां पर अदर जो आइटम्स है पोकेमॉन गो में जिनके थ्रू आप पोकेमॉन्स को इवॉल्व कर सकते हैं वो कैसे गेट कर सकते हैं, उस पर भी मैं आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगा. सो अगर आपको यहां पर सिनो स्टोन गेट करना है तो आपको यहां पर 7 डे फील्ड रिसर्च जो रिवॉर्ड होता है वो आपको कंप्लीट करना होगा. इट मीन्स यहां पर बैक टू बैक आपको यहां पर डेली टास्क होते हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे. एंड जो 7 डे पर आपका जो कंप्लीट होता है वहां पर जो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं उसमें आपको सिनो स्टोन मिल सकता है, वहां पर आपको और भी आइटम्स मिल सकते हैं, लेकिन हाँ सिनो स्टोन भी वहां पर अवेलेबल होता है, वहां से भी आप गेट कर सकते हैं सिनो स्टोन. नेक्स्ट मैं बात करूं तो आप पीवीपी बैटल्स के थ्रू बहुत इजी वे में गेट कर सकते हैं सिनो स्टोन. पीवीपी की बात करूं तो पीवीपी उसे कहते हैं आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ अगर बैटल करेंगे, दोनों ही आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, देन उसके बाद अगर बैटल करेंगे वो पीवीपी होती है. अगर वो करेंगे और आप हारते हैं जीतते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पर आप इजी वे में सिनो स्टोन गेट कर सकते हैं. अब मैं बात करूं यहां पर 100% चांस कहीं भी नहीं है किसी भी स्टोन की, किसी भी आइटम की, पर हाँ चांसेस हैं कि वहां से आप गेट कर सकते हैं. पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस है तो बहुत इजी है. अगर आप पीवीपी बैटल्स करते हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा बैटल्स करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा सिनो स्टोन बहुत ईजी वे में. एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर टीम को रॉकेट के जो लीडर हैं सियरा, अर्लो एंड स्लिफ, अगर उनको आप डिफीट करेंगे तो उनके थ्रू भी आप सिनो स्टोन गेट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यहां पर अगर आप गो बैटल लीग में जो आपको मिस्ट्री आइटम मिलता है उसके थ्रू भी आपको वहां पर सिनो स्टोन मिल सकता है. वहां पर और भी आइटम्स होते हैं वो भी मिलते हैं, लेकिन हाँ सिनो स्टोन भी अवेलेबल होता है. सो जस्ट ये कुछ वे हैं जिनके थ्रू आप यहां पर सिनो स्टोन गेट कर सकते हैं पोकेमॉन गो के अंदर. और अगर आपको ज्यादा ही नीड है सिनो स्टोन की तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पीवीपी बैटल्स कर सकते हैं. और जितनी भी लिस्ट में अभी आपको शो कर रहा हूं जो पोकेमॉन्स इवॉल्व होते हैं सिनो स्टोन के थ्रू आपको दिख ही गए होंगे. पीरियड में इवॉल्व करना है रायहोन को तो आपको नीड होती है. बात करूं इलेक्टाबस की तो उसके के लिए भी नीड होगी. मैग्मार को अगर इवॉल्व करना है तो वो भी नीड होगी. पोर्गोन 2 के लिए भी नीड होगी. एंड ऑल्सो बात करूं यहां पर और भी बहुत से पोकेमॉन्स हैं आपको नॉर्मली शो हो गए होंगे. एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर यूनोवा स्टोन की तो वो एक बहुत रेयर स्टोन है पोकेमॉन गो के अंदर. यह आपको इजी वे में नहीं मिलता है. इसके जो सबसे सिंपल वे हैं, सिंपल तो नहीं कहूंगा वो भी बहुत हार्ड है, लेकिन हाँ जो वे अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप गेट कर सकते हैं वो मैं आपको भी शो कर देता हूं. अगर आप यहां पर बैक टू बैक जो यहां पर मैंने आपको शो किया सिनो स्टोन में वही चीज अगर आप इसमें भी करते हैं तो आपको उसके थ्रू भी जो 7 डे का रिवॉर्ड होता है और 7 डे डेली टास्क जो आप रिवॉर्ड कलेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं वहां पर यूनोवा स्टोन अवेलेबल होता है. अगर आपका लक होता है, आपके चांसेस होते हैं तो आपको वहां पर यूनोवा स्टोन मिल जाएगा. एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूं टीम गो रॉकेट के लीडर्स, अगेन उनके साथ भी अगर आप बैटल करेंगे तो वहां से भी आप यूनोवा स्टोन गेट कर सकते हैं. और बहुत से ऐसी कुछ नॉर्मली पोकेमॉन को कभी ना कभी हमें कुछ रिसर्च देता रहता है जिनके थ्रू हमें वहां पर यूनोवा स्टोन 1 या 2 मिलते रहते हैं, तो इतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. लेकिन हाँ अगर आपको इवॉल्व करने इनसे रिलेटेड पोकेमॉन्स तो हमें नीड होती है और वो इतना इजी वे में हमें नहीं मिलता है. तो ये कुछ वे हैं जिनके थ्रू आप गेट कर सकते हैं. और ऑल्सो पोकेमॉन गो भी हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराता रहता है तो उनके थ्रू भी हम गेट कर सकते हैं. अब मेन बात आती है जो अदर आइटम्स है पोकेमॉन गो के अंदर वो आप कैसे गेट कर सकते हैं, और जो वो आइटम्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका जो सबसे बेस्ट वे है और उसके बाद मैं आपको शेयर करूंगा मेरा पर्सनल जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि ये कैसे इजी वे में मिलते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. लेकिन जो पोकेमॉन गो में अवेलेबल है, जो पोकेमॉन गो खुद कहता है कैसे आप गेट कर सकते हैं, सो जस्ट अगर आप पोकेमॉन गो में पोकेस्टॉप 7 डेज तक बैक टू बैक स्पिन करते हैं, जो 7 डे की जो स्ट्रीक होती है पोकेमॉन गो में, उसके थ्रू आप गारंटेड इवोल्यूशन आइटम गेट कर सकते हैं. अब इसमें फिक्स नहीं होता है कौन सा आपको मिलेगा,
आपका लक होता है, जो भी मिलना होता है वो जस्ट आपके लक के ऊपर डिपेंड होता है, आपके जस्ट परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होता है। तो उनमें से कोई भी आइटम आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप बैक टू बैक 7 डेज तक पॉकेट स्टॉप स्पिन करते हैं तो 7वें दिन अगर आप जो पॉकेट स्टॉप स्पिन करेंगे, फर्स्ट दिन की जो फर्स्ट पॉकेट स्टॉप स्पिन करेंगे उसके थ्रू आपको कोई ना कोई इवोल्यूशन आइटम गारंटेड मिल जाएगा। वो 110% फिक्स होता है, लेकिन कौन सा मिलेगा वो फिक्स नहीं होता है। तो ये सबसे बेस्ट वे है। एंड मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर आप डेली स्ट्रिक्स भी करते हैं पोकेमोन गो के अंदर, तो वहाँ भी आपके कुछ परसेंटेज चांसेस होते हैं कि उसके थ्रू भी आपको कोई ना कोई इवोल्यूशन आइटम्स मिल सके, सनस्टोन, ड्रैगन स्केल, जो भी मिल सके तो वो आपको मिल सकता है। एंड मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे जो मोस्ट ऑफ टाइम ये आइटम्स मिलते हैं वो इनके इस वे के थ्रू तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मेरी बात करूँ तो जहाँ तक मैंने खेला है पोकेमोन गो को, अगर मैं किसी बहुत बड़े गार्डन में और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉकेट स्टॉप्स हैं, या फिर कहूँ तो एक एरिया ऐसा जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉकेट स्टॉप का क्लस्टर है, वहाँ अगर आप बैक टू बैक पॉकेट स्टॉप स्पिन करेंगे उनमें से किसी ना किसी पॉकेट स्टॉप में आपको ये आइटम देखने को मिल जाता है। अब इसका कोई भी हैक अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको शो कर सकूं कि ये अगर आप ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है पोकेमोन गो के अंदर। ये जस्ट आपके लक के ऊपर ही डिपेंड होता है आपको मिले। अगर कुछ भी इन फ्यूचर होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मेथड्स हैं इनके थ्रू आप गेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, पोकेमोन गो भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा रिसर्च देता रहता है जिनके थ्रू भी हमें ये आइटम्स मिल जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, अभी आपकी लेवल कम होगी तो आपको इन सभी स्टोन्स की बहुत नीड होगी। आप सोचते होंगे ये बहुत रेयर हैं, इजी वे में नहीं मिलते हैं और कैसे गेट करूंगा, तो इसके थ्रू आप गेट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जैसे जैसे लेवल बढ़ती जाएगी, आप पोकेमोन गो को ज़्यादा से ज़्यादा खेलते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा ये जो आइटम्स है आप इन्हें डिस्कार्ड खुद करेंगे। आप कहेंगे इनकी वजह से मेरा जो आइटम बैग है वो फुल होता जा रहा है। आपका ऐसा टाइम भी आ जाएगा। तो आप नॉर्मली पोकेमोन गो को अगर प्ले करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको ये आइटम्स जस्ट आपके आइटम बैग में आपको नॉर्मली मिलते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब इतने आइटम आपके पास हो गए। तो ये जस्ट इंटरेस्टिंग बात है जो मेरे साथ भी हुई है। तो आपको नॉर्मली टेंशन नहीं लेनी है, इन वे के थ्रू आप इन आइटम्स को गेट कर सकते हैं और इवोल्यूशंस कर सकते हैं पोकेमोन्स को, जो भी आपको फेवरेट हो। मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। शेयर करना अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूबल लगी हो सभी के साथ, सभी ट्रेनर्स के साथ। मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वीबैक फैमिली को वीबैक की तरफ से बाय।